दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरेस्ट पर्वत पे खोए हुए एक कैमरे की। क्या है एवरेस्ट पर खोए इस कैमरे का रहस्य, जिसके मिलते ही बदल जाएगा इतिहास। दुनिया के इतिहास में 29 मई की तारीख काफी खास है। आज ही के दिन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, जिस वजह से हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ अपने आप में कई राज भी समेटे हुए हैं, जिनसे पर्दा हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर एक, सन 1924 की एक घटना। पूरी दुनिया को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे की कहानी तो पता है, लेकिन उनसे पहले 1924 में जॉर्ज मालोरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट के पास पहुंचे थे। वैसे तो जून का महीना था, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप के आसपास सर्द हवाएं चल रही थीं। वो दोनों 4 जून को एडवांस बेस कैंप से चोटी फतह करने के लिए निकले। शुरुआत के 3 दिन काफी सही बीते, जिस वजह से वो जून के 7 से 8 को 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। नंबर दो, दोनों हुए लापता। एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8849 मीटर है। ऐसे में जॉर्ज और एंड्रयू को सिर्फ 800 मीटर और चढ़ाई करनी थी। इसके बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 9 जून को एवरेस्ट की पूरी चोटी बादलों से ढक गई और दोनों पर्वतारोही अपनी जगह पर रुक गए। एक दिन बाद बादल तो हट गए, लेकिन जॉर्ज और एंड्रयू का कोई पता नहीं था। उनके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। नंबर तीन, अंतिम बार नोएल ने देखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1924 में जॉर्ज और एंड्रयू एवरेस्ट पर पहुंचे थे या नहीं। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो इतिहास बदल जाएगा। अभी तक जिन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे को एवरेस्ट पर जाने वाली पहली जोड़ी माना जाता है, वो दूसरे हो जाएंगे। इसको लेकर अभी भी पर्वतारोहियों में बहस जारी है। पर्वतारोही नोएल ओडल ने जॉर्ज एंड्रयू की जोड़ी को अंतिम बार देखा था। उनका दावा है कि वो दोनों गुम होने से पहले चोटी के बहुत करीब थे, इस वजह से वो अपने अभियान में सफल रहे होंगे। नंबर चार, दोनों के शव चोटी के पास। 1933 में एक खोजी अभियान चलाया गया, जो एवरेस्ट कैंप 6 के ऊपर पहुंचा। वहां पर उनको एंड्रयू की बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी मिली, जिसको देखने पर लग रहा था कि वापस लौटते वक्त वो नीचे गिरी थी। इसके बाद 1975 में एंड्रयू का शव मिला, वो भी सबसे ऊंचे शिखर से थोड़ा सा नीचे था। इसके बाद कुल्हाड़ी के पास एक खोजी दल को 1999 में जॉर्ज का शव मिला। नंबर पांच, कैमरा नहीं मिला। दोनों के शवों के पास से बहुत सामान मिले, लेकिन एक चीज अभी तक गुम थी, वो था उनका कोडैक कैमरा। पर्वतारोहियों ने जाने से पहले कहा था कि वो चोटी पर पहुंचने पर इस कैमरे से फोटो खींचेंगे। अगर वो दोनों उस दिन चोटी पर पहुंचे होंगे, तो फोटो जरूर ली होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एवरेस्ट पर बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फ गिरती है। ऐसे में रील को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। अगर रील को नुकसान हुआ भी होगा, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो फोटो को कुछ हद तक रिकवर कर लेंगे। ऐसे में कैमरे की खोज अभी भी की जा रही है। अगर वो मिल गया, तो एवरेस्ट का इतिहास बदल जाएगा। नंबर 6, 24 साल से माउंट एवरेस्ट पर पड़ा है एक आईटीबीपी जवान का शव। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी है। आज ही के दिन यानी 29 मई 1953 को दो लोगों ने इस चोटी को फतह कर इतिहास रचा था, जिनका नाम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे था। इन दोनों पर्वतारोहियों की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। एक ऐसी ही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चोटी से 2-300 मीटर नीचे एक शव 26 साल से पड़ा है। ये शव शेवांग पलजोर का है।
माउंट एवरेस्ट पर पड़े शव के बारे में पर्वतारोही बताते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई थककर सो रहा हो। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि वो एक लाश है। इस शव की पहचान पर्वतारोही उसके हरे जूते से करते हैं, जिस वजह से शेवांग अब ग्रीन बूट्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई उसको देखकर डर जाता है तो कोई वहां बैठकर फोटो खींचवाता है। ग्रीन बूट के नाम से चर्चित शव आईटीबीपी जवान और भारतीय पर्वतारोही शेवांग पलजोर का है। वो 10 मई 1996 को अपने साथियों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकले थे। इस दौरान बर्फीला तूफान आया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर आज भी विवाद है। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि पलजोर बर्फीले तूफान में बच सकते थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बर्फीले तूफान के बाद वो और उनका एक साथी मदद की गुहार लगाते रहे। वहां कई पर्वतारोही मौजूद थे, लेकिन एवरेस्ट जीतने की चाहत में किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब से लेकर आज तक उनका शव वहीं पड़ा है। एवरेस्ट पर लाशें बताती हैं रास्ता। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर के करीब है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत ही कम रहती है, जिस वजह से दिमाग और फेफड़े की नसें फटने लगती हैं। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा मौतें 8,000 मीटर के ऊपर वाले हिस्से में होती है, इसलिए इसे डेथ जोन भी कहते हैं। वहीं बर्फीले तूफान भी कई पर्वतारोहियों की जान ले चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक 308 पर्वतारोहियों की मौत एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हुई है। उतनी ऊंचाई से शव को लाना नामुमकिन है, इसलिए ज्यादातर पर्वतारोही अपने साथियों की लाश वहीं छोड़ आते हैं। एवरेस्ट पर सामान्य तापमान -16 से -40 तक रहता है, जिस वजह से ये एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है और लाशें सड़ती नहीं हैं। इन लाशों की पहचान पर्वतारोही कपड़ों और जूतों से करते हैं। साथ ही लाशों की मदद से अब रास्ते की पहचान होने लगी है।